अगली खबर मध्य प्रदेश के भोपाल जिले से सामने आ रही है, जहां एटीएस ने टेरर फंडिंग को लेकर बड़ी कार्रवाई करते हुए नीमच से दीपक सिंघल नाम के व्यापारी को हिरासत में लिया है। सूत्रों के मुताबिक टेरर फंड को लेकर दीपक सिंघल ने करोड़ों रुपए का हवाला किया था। पैसों का यह हवाला सेल कंपनियों के माध्यम से किया गया था। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार व्यापारी के कनेक्शन चीन के साथ भी बताए जा रहे हैं। बताया गया है कि कई देशों में व्यापारी ने हवाला के माध्यम से करोड़ों रुपए इधर से उधर किए। जीएसटी विभाग को भी फर्जी दस्तावेजों के आधार पर करोड़ों का चूना लगाया है। सूत्रों से यह भी पता चला है कि टेरर फंड को लेकर फिलहाल एटीएस दीपक सिंघल से पिछले 3 दिनों से पूछताछ कर रही है। नेशनल एजेंसीज के इनपुट के आधार पर मध्य प्रदेश एटीएस ने यह कार्रवाई की है। वहीं टेरर फंडिंग को लेकर एनआईए ने देश भर के करीब 12 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की है। पीएफआई के ठिकानों पर यह रेड जारी है। मध्य प्रदेश, यूपी, राजस्थान समेत दिल्ली में एनआईए छापेमारी कर रही है। वहीं भोपाल में भी एनआईए ने पीएफआई को लेकर खानू गांव में रेड मारी है। फिलहाल कार्रवाई जारी है।